चलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है गाइस। और आज हम जा रहे हैं दशहरा देखने। गाइस आज का बहुत बड़ा खास दिन है, तो गाइस ये बस्तर वासियों के लिए बहुत खास दिन है क्योंकि ये परंपरा पूरे 90 दिन तक चलता है गाइस। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं, हम पूरा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम दशहरा में जो डिज्नीलैंड है वहाँ पे भी जाएंगे अपने फैमिली के साथ। तो वीडियो पे जरूर बनी रहिए, देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं अपने मंजिल की ओर। तो गाइस यहाँ से माता रानी की डोली निकल चुकी है और ये देख सकते हैं यहाँ से माता रानी की डोली आगे जा रही है और अब ये पहुंची है हमारे संजय मार्केट हनुमान मंदिर के पास। बहुत भीड़ लगी है गाइस, तो अपने फैमिली के साथ भीड़ में जाना बहुत मुश्किल है, तो हम दूर से ही देखने की कोशिश करेंगे गाइस। ये बहुत ही खास परंपरा है अपने बस्तर वासियों के लिए और बहुत खुशी है कि अपनी परंपरा में पूरे रीति रिवाज से ये पर्व मनाई जाती है गाइस। 20 मिनट्स लेटर। तो गाइस मेरे सामने देख सकते हैं ये है माँ दंतेश्वरी का मंदिर, ये जगदलपुर में है और बहुत ही शानदार भीड़ लगी है यहाँ पे। देखिए भीड़ कैसा है और यहाँ पे पूरे लाइटिंग से सब चीज लग चुकी है। बहुत बहुत जगमगा रही है गाइस मंदिर और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और ऐसा एक साल नहीं है, ये हर साल होता है गाइस ऐसा नजारा देखने के लिए। और यहाँ काफी दूर दूर से लोग आते हैं और क्या बताऊँ, देखिए भीड़, इस भीड़ को देखिए किस तरह से भीड़ है। इधर से जाने का जगह नहीं है, बस हम तो कैसे जैसे तैसे यहाँ पे घुस गए हैं गाइस। और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आकर और अभी देखने को मिलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे का त्योहार पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण जी का वध किया था, सीता माता को बंधन से मुक्त कराया था। आज के दिन रावण का पुतला जलाकर लोग बुराइयों को दहन कर संकल्प लेते हैं कि। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला दशहरा मनाया जाता है। रावण का पुतले का दहन नहीं होता बल्कि माता जी का पूजा होता है और रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ के दशहरे में अपने आप में ही खास है। तो गाइस ये दशहरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके बस्तर में मनाया जाता है, इसे बस्तर का दशहरा भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा देश दुनिया में होती है। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेश से भी सैलानी आते हैं। बस्तर के दशहरे में रावण का युद्ध नहीं बल्कि बस्तर के दंतेश्वरी माता के प्रति अपार श्रद्धा दिखाई जाती है। तो गाइस बस्तर दशहरे की शुरुआत श्रावण महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या से होती है। इस दिन रथ बनाने के लिए जंगल से पहली लकड़ी लाई जाती है। इस रस्म को पाट यात्रा कहा जाता है। यह त्योहार दशहरा के बाद चलता है और मुरिया दरबार की रस्म के साथ समाप्त होता है। इस रस्म में बस्तर के महाराजा दरबार लगाकर जनता की समस्या सुनते हैं। यह त्योहार देश के सबसे ज्यादा दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है। दशहरे के वैभव कुछ ऐसा है कि सबको आकर्षित करता है। असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक पर्व दशहरे को पूरे देश में राम का रावण से युद्ध में विजय के रूप में विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। लेकिन बस्तर दशहरा देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का अनूठा महापर्व है जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। मगर बस्तर दशहरा में रावण नहीं मारा जाता, बस्तर की आराध्य देवी को पूजा की जाती है। दशहरे का संबंध भगवान राम से माना जाता है। दशहरे को लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व के तौर पर मनाते हैं। इस दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था, लेकिन बस्तर के दशहरे का संबंध महिषासुर का वध करने वाली माँ दुर्गा से जुड़ा है। इधर देखो, इधर मम्मी, इधर देखो सिद्धार्थ, पिंकी इधर देख, तो गाइस सभी बच्चों के साथ हम झूलना झूलने के लिए आ चुके हैं मीना बाजार पे। तो चलिए चल Thank you.
सिद्धार्थ अभी वोटिंग कर रहा है और साहिल वोटिंग कर रहा है और खुशांश को पसंद नहीं आया ये वोटिंग करने का, तो अभी हम उसके लिए दूसरा झूला उसको ट्राई करते हैं। तो गाइस खुशांश ने जीत किया, हमें दूसरा झूला झूलना है करके उसे हमने दूसरे झूले पे बिठा दिया है और एक गाड़ी में बैठा दिए हैं, इसको अकेला बैठा है और इस गाड़ी में कोई नहीं है गाइस यहाँ पे और झूले पे, तो इसे झुलाते हैं। और उधर और साहिल और सिद्धार्थ वहाँ पे भी झूल रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे लेके आएंगे, ये एक बार झूल ले उसके बाद उसको भी लेके आते हैं गाइस यहाँ पे इस झूले पे। तो देखिए आपके सामने डोरेमोन भी है, आई कर रहा है और देखिए झूल रहा है, अब स्पीड हो गया है गाड़ी स्पीड। चलो भाई चलो, घुमा दो, ये बाबू को घुमा दे रहे हैं, खुशांश को घुमा रहे हैं गाइस। तो ये है गाइस सिद्धार्थ, अभी ये वोटिंग कर ही रहा है, इसका 10 मिनट नहीं हुआ है और मैंने उसे अपने की मम्मी के पास खुशांश को छोड़ दिया है, उसकी मम्मी इसे झुला रही है। तो उसके बाद सिद्धार्थ भी जीत किया, अब सिद्धार्थ को भी बिठा दिया, खुशांश को भी बिठा दिए, दोनों झूल रहे हैं। साहिल बड़ा है तो नहीं झूल रहा, अरे भाई इसमें बड़ी लड़की भी झूल रही है, झूलिए 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 झूलिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा है उसके पकड़ने के लिए बच्ची ने भी झूल लिया, लेकिन टिकट एक कटाया है तो एक टिकट में दोनों झूल लिएगा, इसका आइडिया है ना। तो देखिएगा इसमें झूल ही रहे हैं। मम्मा मजा आ रहा है भैया, ओ भैया मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा। हमने बहुत इंजॉय किया अपने दशहरे और इस मीना बाजार में, और अब हम जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।